माल रोड पे जो हर चीज बना दी गई है, ओपीटी पे रेस्टोरेंट्स हैं, हर चीज इधर अवेलेबल है। बैंक वगैरह भी, अगर एटीएम किसी ने करना हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए शॉप्स वगैरह कपड़े की, अच्छा यार हमारे यार वो आ गए। सस्ता रमजान बाजार भाई, इस टाइम कौन सा सस्ता बाजार, रमजान तो गुजर गया हुआ है। ये तो मेरा ख्याल है फ्लैक्स वगैरह लगी रह गई है, उतार लेनी चाहिए ने, या मैं खुद उतार देता हूँ। अब देख रहे हैं कि कितनी चढ़ाई है ऊपर को। फैसल मूवर्स होटल, फैसल मूवर्स तो ये को बसे हैं, ये तो इधर भी फैसल मूवर्स हैं। ये जी 170 में सब कुछ है, सब कुछ ले लें 170 में। $1, 170 का भाई डॉलर है, इसलिए पाकिस्तानी प्राइस 170 बनेगी $1। ये भी वही शॉप है, देखिए माशाल्लाह। मुझे डर है कहीं हाफिज ना गुम हो जाए, एक नजर मेरी इधर कैमरे की तरफ, एक नजर हाफिज की तरफ है, कहीं हाफिज ना गुम जाए, जितना के रश है इधर। ये हाफिज आया तो बंदा शरीफ है, घूमता नहीं है कहीं भी। ये देखें ज्यादा शॉप्स $1 की हैं जो मैं देख रहा हूँ, $1 में सब कुछ ले जाए। मेरा नहीं ख्याल के $1 में देते होंगे, चले मान लेते हैं अगर उन्होंने लगाया हुआ है। ये ऊपर होटल है, ये होटल के ऊपर नीचे शॉप्स हैं, होटल रात के स्टे के लिए, लेकिन इधर होटल बहुत ही महंगा मिलता है, कम से कम 10,000 का पर नाइट। काफी एंजॉय कर रहे हैं हम और मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी है, हवा चल रही है हल्की हल्की। यार शिट, मैं तो भूल गया जैकेट लाना, हालांकि मैंने बैग से निकाल के बाइक के ऊपर रखी है कि चले मैं ना बाइक लॉक करके पहनता हूँ, लेकिन बाइक के ऊपर ही रह गई है। अब अल्लाह उसकी हिफाजत करे तो लेके ना चले जाए बस, क्योंकि अब पहननी थी वो, ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, कुछ रश है जिस वजह से इतनी अभी महसूस नहीं हो रही। जैसे हमने बाहर की थोड़ा सा बाहर निकलना है ये रास्ते, तो भाई ठंड शुरू। ये तकरीबन एंड हो रहा है, अभी हम ऊपर चलते हैं जीपीओ चौक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे ये सब देख के, ये इतना रश देख के एंजॉय कर रहे हैं आप सब। काफी लोग आए हैं यार, इतना रश होना नहीं चाहिए था। अभी मेरा ख्याल है हमें इस तरफ को जाना होगा, राइट साइड पे, इस तरफ ऊपर को वजन थोड़ा सा रास्ता देना। असल में पुलिस वाले को रास्ता में किया कि वन वे कोई ना जाए, वन वे का फाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियों की लाइन, जो के बहुत दूर तक लगी है लाइन, लोग मॉल पे एंटर हो रहे हैं अंदर, और अंदर बहुत रश है। जो जो अंदर एंटर होता जाएगा गाड़ी वाला, वो भी एक दफा हैरान हो जाएगा कि भाई कहाँ फंस गया हूँ मैं। खैर वो एंजॉय करने आए हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियों साइड पे पार्क हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं।
ये इधर ये देखिए हमारा गेस्ट हाउस। देखिए रास्ता नहीं है गुजरने के लिए, बहुत मुश्किल। साइड पे गाड़ियां पार्क हुई हैं, इस तरफ से अंदर एंटर हो रही है मॉल पे। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये जी रूफन बेसमेंट मार्ट है। ये हम पहुंच गए जी जीपीओ चौक। कहाँ बोर्ड लगा है जीपीओ चौक का, वो है। ये बोर्ड थोड़ा खराब हो गया हुआ, लेकिन ये हम पहुंच गए हैं जीपीओ चौक। आपको मैं एक मिनट रुक के दिखाता हूँ जीपीओ चौक, जहाँ से नीचे ये सामने जो है ये जीपीओ चौक है, ये वाला। ये गाड़ियां नीचे जो जा रही हैं इस तरफ को जा रही है, ये माल रोड की तरफ जा रही है और सीधा कुछ जा रही है। ये जो नीचे उतर रही है गाड़ी, ये सारी माल रोड की तरफ जा रही है जहाँ से हम आए हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जीपीओ चौक, सामने होटल है मेहरान होटल, बहुत सामने मेहरान होटल है। चले अभी चलते हैं हम कश्मीर चौक की तरफ। कश्मीर चौक करने इधर सातरा रोड के वो बंदे भी खड़े हैं जो होटलिंग होटल वाले बंदे हैं जो पार्क वगैरह करवाते हैं रात। मेरे ख्याल से यहाँ से 300-400 रुपए लेते होंगे गाड़ी का पार्किंग का। जैसे जैसे मैं ऊपर आता जा रहा हूँ वो वैसे ठंड ना बढ़ती जा रही है, हवा तेज जाती है, क्योंकि कश्मीर चौक की तरफ जा रहा हूँ और कश्मीर चौक जो है ना मरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है कश्मीर चौक जहाँ मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पे नवाज शरीफ का घर भी है कश्मीर चौक पे। तो चलते हैं देखते हैं कश्मीर चौक भी। रास्ता तो आपके सामने देखने कैसे बना रहा हूँ मैं गाड़ियों से इधर उधर इधर उधर होके, लेकिन कोई नहीं अभी आए हैं हम जो मरी देखने, तो मरी तो देखेंगे भाई, रश से क्यों घबराना, इतना रश तो लाहौर में भी होता ही है। रात भाई 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और आप रश देख सकते हैं कैसे है, और अल्लाह जानता है ये रश कब तक रहेगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि 2 बजे तक मेरा ख्याल है कि रश भी खत्म हो जाएगा और मॉल भी बंद हो जाएगा। जारी बात है लोगों ने फिर सोना भी है, सुबह फिर दोबारा ओपन करना है, टाइमिंग होगी इनकी, मैनेजमेंट होगी। तो ये देखें आप, लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई अंदर होटल के नीचे, उसके बावजूद भी ट्रैफिक देखें, लोग गाड़ियों से उतर उतर के पैदल आ रहे हैं नीचे कि भाई हम क्यों टाइम वेस्ट करें गाड़ियों में, हम तो एंजॉय करें। जो बेचारा ड्राइवर है वो बेचारा फंसा हुआ है, सांस फूल रहा है। चलते हैं ऊपर को, नीचे काफी रोशनी थी, ऊपर रोशनी भी नहीं है क्योंकि भाई नीचे मार्केट थी पूरी जिस वजह से रोशनी थी। ऊपर जाहिर बात है अब लोग कहाँ मार्केट हो तो रोशनी हो ना। तकरीबन 100-150 गाड़ी तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ जो नीचे की तरफ एंटर हो रही है, उसके बावजूद भी देखें पाँच छः सौ ही हो सकता है आपस, क्योंकि बहुत गाड़ी अंदर आ गई है। बहुत शुक्र है कि हम यार बाइक पे आ गए हैं और हम टाइम से साइड से होके, देखें ये साइड से रास्ता देख रहे हैं, हम बाइक यहाँ से लेके लेते हुए अंदर आए और गाड़ियाँ बचाते हुए, देखें दोनों तरफ गाड़ियाँ जिसको कवर किया है
अगर जरा सी भी लग जाती लेने के देने पड़ जाने थे, लेकिन हमने बहुत केयरफुली ले आए हैं इधर। ये देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी इधर, जीपीओ चौक से थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पे भी बन रहा है, ये पार्किंग प्लाजा है, ये बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी, कुछ गाड़ियां इधर पार्क हो जाएंगी। ये देखें इधर अभी बन रहा है और नीचे पार्किंग हो गई हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आसानी हो जाएगी गाड़ियों के लिए, इधर ही पार्क हो जाएंगी गाड़ियां। ये देखें नीचे खाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और साथ कोई जंगला वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है। ओए होए बच्चे दो ठंड में सोए हैं, अब देखें अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनकी आसानियां पता करे। सामने जो मस्जिद है अल सदीक मस्जिद, ये टंकी जो है ना ये मस्जिद की है, खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। हम पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल है हाफिज, यार ये पानी पी लें इधर से प्यास लग गई है, हाफिज ही पकड़ना। अभी मैं बैठा हूँ इधर माल रोड क्रॉस करके ना आगे की तरफ, ये रोड जा रहा है सीधा पिंडी पॉइंट की तरफ मेरा ख्याल, तो इधर हम बैठे हैं आगे थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, काफी चल चल के थक गए, कोई आधा घंटा ही होगा तकरीबन जो हम पीछे माल रोड पे वॉक कर रहे थे, काफी रश था उधर, इधर आए हैं तो थोड़ा सा ना वॉक कर रहे हैं, मजा आ रहा है इधर वॉक करने का। तो इधर थोड़ी देर हमने सही किया, ये देखे कितनी खूबसूरत जगह है, छत वगैरह लगे लैंप लगे हैं इधर, और सामने अगर आप देखें तो अंधेरा इस टाइम लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन सामने इस टाइम ना पार्क है बच्चों के लिए पार्क है और सामने पहाड़ है, तो इधर बैठते हैं थोड़ी देर स्टे करते हैं तो फिर आगे जाएंगे, मैं दोबारा एंड तक जाऊंगा, आगे सीएमएच भी आ गई है तो हम चलेंगे आगे तो देख, लेकिन इधर गाड़ी नहीं आने देते, ये जो है ना ये ट्रेन टाइप है जो इनकी अपनी है वो ही लेके जा रही है और लेके आ रही है, अगर कोई इतना लोग ज्यादा पैदल जा रहे हैं जो लोकल गाड़ियां वो नहीं आ सकती इधर, अलाउ नहीं है गाड़ियां। अभी हम इस टाइम गुजर खान बैठे हैं, स्टे किया इधर, हाथ में धोया, आप मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी रेड हुई हैं, कुछ तो नींद की वजह से भी हुई है और कुछ जो है सफर किया, बाइक मैं चला रहा था इसलिए। इस्लामाबाद हम क्रॉस कर रहे हैं, कोई एक घंटा हो गया तकरीबन 70 किलोमीटर हम आ गए हैं आगे, रात को 2 बजे तक हम माल रोड पे घूमते रहे हैं, तो आपको पता है पावर बैंक भी मेरा बिल्कुल लो था, मोबाइल की बैटरी भी इतनी थी कि मैं वीडियो बना सका, तो वीडियो बन गई थी 2 बजे तक। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना निकलता हूँ अब न्यू मरी की तरफ, वहां पे जाकर कैंपिंग वगैरह करूंगा तो रात स्टे करूंगा तो फिर आगे का करेंगे, तो मैं वहां से रात को 2-2.5 बजे निकल आया हूँ माल रोड से, तो ठंड काफी ज्यादा थी, कुछ आपको पता है वो उतराई थी तो बड़ा देख के रात का टाइम था, कोई बंदा जंगल से जंगल क्रॉस करके आया था मैं, तो रात को फिर मुझे तकरीबन पिंडी से सॉरी भापुर से ये जो अभी हम नाश्ता कहाँ किया था हमने, पिंडी नहीं यार पीछे किया था, इस्लामाबाद से पीछे कौन सा स्टॉप था, पिंडी पिंडी हमने नाश्ता किया, उससे तकरीबन पीछे 20-25 किलोमीटर पीछे हमने वहां पे रात को तकरीबन 3 बजे मैंने बाइक पे तेल डलवाया, तो वहीं पे पंप के पास ही मैं बैठा था, वैसे मोबाइल वगैरह यूज कर रहा था, तो एक भाई कहते कहते अगर आपने सोना तो मस्जिद में चले जाओ, मैं कहा नहीं हम कैंपिंग कर लें, तो वो कह रहा हाँ आप कैंपिंग कर लो पास ही, तो मैंने वहां पे थोड़ी पास ही करीब ही था पंप के साथ बिल्कुल करीब ही, मैंने कहा ये जगह सेफ है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी था तो हर चीज सेफ थी, तो मैंने यही फैसला किया कि मैं रात को उधर ही कैंपिंग कर लूँ। 3 बजे रात को मैंने कैंपिंग की है और सुबह तकरीबन मैं 8 बजे तक उठ गया था, 8 बजे क्यों इसलिए उठ गया था क्योंकि धूप हो गई थी, गर्मी इधर जो है ना थी गर्मी, क्योंकि मरीज से हम नीचे आ गए थे काफी, तो उधर गर्मी थी तो धूप वगैरह निकली है तो गर्मी लगी, मैं उठ गया हूँ 8 बजे, उठ के फिर मैंने क्लोजिंग वगैरह की है, कैंप क्लोज किया है, तो वहां से फिर मैं निकला हूँ, कोई 25-30 किलोमीटर का सफर किया है इस्लामाबाद के करीब ही आ गए रावलपिंडी तक, तो
उधर मैंने नाश्ता किया है, नाश्ता करके मोबाइल वगैरह चार्जिंग की है। तो जब मैंने मोबाइल चार्जिंग कर लिया, मैंने यही बेहतर समझा कि मैं अब निकलता हूँ आगे जाके स्टे करके, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं गुजर चौक आया हूँ, सॉरी गुजर खान, यहाँ पे आके मैंने स्टे किया। तो अभी इधर मैं 5-10 मिनट बैठूंगा, ऑफिस गया है, हाथ मुंह वगैरह धोने गया है। तो अभी हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ, और ये हमारा टूर बहुत ही मजेदार था। आप हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि ये हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, और हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको वो दिखा सकूं जो खुद मैं देखूं, और मैंने बहुत ही मेहनत की है इस वीडियोस बनाने में। बहुत ही चीजें ऐसी हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो मैंने आपको दिखाई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सकें, क्योंकि मैंने मजीद ट्रेवल करना और आपको वो चीजें दिखानी है जो कि आपने पहले नहीं थी देखी। तो अभी उस्मान आजम कटारिया को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।